बहुत बड़ा हॉस्पिटल डाला गया है, न्यू लाइफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल। ये बेहतरीन हॉस्पिटल है, आप बढ़ौली के अंदर आएंगे, ये आपको वहीं पर स्थित है और काफ़ी सुविधाओं से लैस है। आज जो है डॉक्टर साहब की माता जी यहाँ पर मौजूद है, जो तस्वीरों में आप मेरे साथ देख रहे हैं, यहाँ बीच में इन्होंने फीता भी काटा है, कैमरामैन और नज़दीक आ जाए तो दादी बहुत अच्छा लगा है। आज ये हॉस्पिटल आपके बेटे ने डाला है, तो दुआ के तौर पर अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम कहना कि खूब खुश रहा, खूब कमाल, खूब खा, सबका खुआ। और समाज में इसी तरीके से सेवा करते हैं। हाँ, सबका सेवा का करते हैं जी। और हम तो कहते हैं सबका खूब देख लेके खान दिया, चार के चारों खूब। देखिए आज बहुत माता जी बहुत खुश भी हैं, और ये खुशी का पल है कि जब कोई बेटा आगे बढ़ता है तो माँ की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम पल होते हैं। और मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ हमारे बीच में डॉक्टर साहब, डॉक्टर पूरा एक बार नाम आपका जानिए। मेरा नाम डॉक्टर इश्तियाक अहमद है जी। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच में पोस्टेड हूँ जी। मेरा अब्बा और अम्मा की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा एक हॉस्पिटल गांव के लिए डाले जी, तो आज वो ख्वाहिश अब्बा अम्मा को ये हॉस्पिटल डाल के पूरी हो गई है जी। ये हॉस्पिटल समाज के बहुत पिछड़े हुए, जो आर्थिक तंगी की वजह से बहराइच जो लखनऊ नहीं जा सकते हैं जी, ऐसे पेशेंट के लिए हम वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे जो जो हॉस्पिटल बोला है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद डॉक्टर साहब को दूंगा जी। और उसके बाद इसका श्रेय जो है इनकी माता जी को दूंगा जी। बहुत बहुत मुबारकबाद के काबिल है जो इन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल जरवन ब्लॉक खंड के बढ़ौली ग्राम में इन्होंने जो खोला, जो लोगों को असुविधाएं होती थी, बच्चों को जो है पहले जो लखनऊ ले जाना पड़ता था, तो बहुत खुशी की बात है यहाँ पर। और डॉक्टर साहब और फिर जो चारों भाई हैं, ये डॉक्टर इश्तियाक साहब, रोशन कुमार साहब, रेहान भाई जी, भाई साहब हमारे हैं, ये सब मुबारकबाद की कहा। कैमरामैन और पीछे चले जाएं, एक बार मैं सबको पिक्चर में दिखा भी देता हूं, आप देख लें यहां पर लोगों के घरों में जो है मालाएं हैं। और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लाखों दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि ये जनपद बहराइच के कैसरगंज बढ़ौली का जो पड़ाव से सीधे आप गांव के अंदर आएंगे, बड़ा हॉस्पिटल डाला गया जो लखनऊ और बहराइच की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध है। मैं निवेदन करता हूं अगर आपकी जरूरत है तो आप तत्काल यहां पर इलाज के लिए आ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये समाज में सेवा भाव से इन्होंने इस हॉस्पिटल वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, डॉक्टर इश्तियाक की जो माँ है साहबुन्निसा, वो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं न्यू लाइफ चिल्ड्रेन हॉस्पिटल का, यहाँ पर वो फीता काट करके इसका शुभारंभ कर रही हैं। ये अलौकिक दृश्य आप देख रहे हैं, एक माँ अपने बेटे के भव्य हॉस्पिटल के फीते को काट करके अब अंदर पहुंच चुके हैं, और अपनी माँ का आप देख रहे हैं डॉक्टर इश्तियाक साहब माल्यार्पण कर रहे हैं और माँ से दुआ ले रहे हैं। इसी क्रम में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी मेहमान मौजूद है, अब वो सभी लोगों का इस्तकबाल व स्वागत किया जा रहा है। अजीमुद्दीन अज्जी ने भी यहाँ पर माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन किया। आप देख रहे हैं डॉक्टर इश्तियाक साहब का एक भाई साहब ने यहाँ पर माल्यार्पण किया और स्वागत अभिनंदन किया। इसी क्रम में आप देख रहे हैं इस वक्त ये माल्यार्पण का दौर चल रहा है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनपद बहराइच के जरवल विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बढ़ौली में न्यू लाइफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ हो रहा है। ये वहां की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, केपीएल कमेटी के अध्यक्ष अजीमुद्दीन अज्जी यहां पर माल्यार्पण कर रहे हैं। जो मेहमान आए हैं यहां पर डॉक्टर इश्तियाक साहब के ये भाई हैं, इनकी तस्वीर को आप देख रहे हैं, अमर अजीमुद्दीन अज्जी उन्हें माल्यार्पण कर रहे हैं डॉक्टर रेहान को। और आप इसी क्रम में आप देख रहे हैं अजीमुद्दीन अज्जी ने डॉक्टर इश्तियाक साहब को भी माल्यार्पण करके जोरदार तरीके से हाथ मिला करके इस्तकबाल स्वागत अभिनंदन किया। ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों, न्यू लाइफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के शुभारंभ उद्घाटन मौके की ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनकी माँ के गले में आप देख रहे हैं मालाएं, सभी लोगों की गले में मालाएं हैं। और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर गुलदस्ता भेंट करके कुछ मेहमान यहाँ पहुंचे डॉक्टर इश्तियाक साहब के, उन्होंने माँ और डॉक्टर इश्तियाक साहब को गुलदस्ता भेंट करके इस्तकबाल व स्वागत अभिनंदन किया। और अब आप आगे तस्वीरों में देख रहे हैं ये स्वास्थ्य विभाग के सभी
उपस्थित कर्मचारी व सदस्य हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं लोग, आपको दिखा रहा हूँ मैं थोड़ी थोड़ी तस्वीरें करके सबकी। ये छोटा सा बेटा आप देख रहे हैं, ये भी परिवार का है, और ये सभी रिपोर्ट आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पंडित अशोक मिश्रन्ना भैया के साथ। इस उद्घाटन मौके पर आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रमोद गुप्ता तथा आप देख रहे हैं बकाउल्ला भाई सामाजिक समाजसेवी हैं, वो भी मौजूद हैं। अवधेश वर्मा भी मौजूद हैं, प्रमोद गुप्ता जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, व्यापार मंडल अध्यक्ष जरवल से। हुमायूं खान की तस्वीरों को आप देख रहे हैं जो हरचंदा के निवासी हैं। साविर हाफिज की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। इसी क्रम में आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसरगंज से कुछ पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर भी पहुंचे। इस शुभारंभ के मौके पर उन्होंने डॉक्टर साहब से हाथ मिलाकर के स्वागत अभिनंदन किया। ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं। संदीप सिंह विसेन की देख रहे हैं, अरुण प्रताप सिंह की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर डॉक्टर साहब का हाथ मिलाकर के उनका इस्तकबाल किया। और अब आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष वरिष्ठ रिपोर्टर पंडित अशोक मिश्र अन्ना भी यहाँ पर इस उद्घाटन के विशेष मौके पर वो पहुंचे और डॉक्टर इश्तियाक साहब को उन्होंने बधाई दी। ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं जनपद बहराइच के बढ़ौली में भव्य न्यू लाइफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के उद्घाटन मौके की। ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आमिर फैलक्स भी मौजूद हैं, जिसान भी मौजूद हैं जो डॉक्टर पेशे से जुड़े हुए हैं। ये आप देख रहे हैं साविर हाफिज की तस्वीरों को, और अजीमुद्दीन अज्जी यहाँ पर अपने साथियों के साथ गले में हाथ डाले हुए उनसे बातचीत कर रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं, मैं ग्रुपिंग में आपको एक बड़ी सी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, पिक्चर दे रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी से काफ़ी लोग मौजूद हैं इस विशेष उद्घाटन के मौके पर। ये सभी रिपोर्ट जनपद बहराइच से, बड़ौली से आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पंडित अशोक मिश्र अन्ना भैया के साथ।